सरकार कानून तो बना हुआ है, पार्लियामेंट ने बनाया, जिस संसद ने कानून बनाया वो संसद इसको मान नहीं रही। बजट में घाटा है इसलिए घर में आटा नहीं है, घर में आटा आएगा बजट का घाटा बंद हो जाएगा, पूरा बजट नरेगा में देंगे तो हमारे पेट में भी आएगा। हाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ, आप कह दो, मेरा नाम बता देता हूँ, मैं कहाँ का रहने वाले वो बता देता हूँ। मोदी जी क्या करेंगे, मुझे कहेंगे देशद्रोही है, ऐसी बातें कर रहा है, मैं करूँगा ना, जो है हकीकत बता रहे हैं हम भी तो युवा ही हैं, हम कहाँ से बूढ़े हो गए, अभी ना बच्चे हैं, युवा ही हैं हम भी, फिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिला, एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बीसीए कर रखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं, फिर भी रोजगार नहीं मिला हमें। हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं। चलिए नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ जितने भी आदिवासी लोग आए हैं मनरेगा के तहत, यहाँ पर अपने जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, लगातार अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ है इन्हीं से अभी जानते हैं। एक बजट बढ़े, क्या नाम है अंकल जी? जी जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शंकर है, और यहाँ अलग अलग राज्यों के लोग हैं, और हम ये जो हमारी मांग है उसको हम बता रहे हैं कि क्या है हमारी मांग। क्या मांग है आपकी? हाँ तो भाई मैं बता रहा हूँ, अरे नरेगा में काम मिले, नरेगा में काम मिले, 200 दिन का काम मिले, 200 दिन का काम मिले, 800 रुपया रोज मिले, 800 रुपया रोज मिले, अरे 800 रुपया रोज मिले, मनरेगा में बजट बढ़े, अरे मनरेगा में बजट बढ़े, वो मनरेगा में काम मिले, काम का। यहाँ कुछ बाबा लोग भी आए हुए हैं लगातार, तो आप देख सकते हैं सामने। जी बोलिए। तो मनरेगा में आपने कहा कि 800 रुपया रोज मिले और बजट भी बने, तो क्या मतलब आपको नहीं मिल रहा है मनरेगा के तहत? मनरेगा में मजदूरी बहुत कम है और काम मिलता नहीं, काम की गारंटी नहीं, कानून में जो लिखा है उसको मानते नहीं, काम की गारंटी नहीं, पैसे की गारंटी नहीं, काम मिलता नहीं, 100 दिन की गारंटी भी पूरी नहीं है, 100 दिन का काम भी नहीं मिलता, तो वो सारी गारंटियां कानून में जो लिखी है पूरी करने के लिए हम यहाँ आए। सरकार उसको बजट में कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, नरे कोरोना में सब पैसा खत्म हो गया, तो ये कोरोना का बहाना लेते हैं, और यहाँ पे मनरेगा की बात करो तो वो कह रहे बजट तो है हमारे पास, हम तो काम तो देते हैं, और यहाँ पेमेंट नहीं है, जिन्होंने काम किया उनको पेमेंट नहीं है, 6-6 महीने से पेमेंट नहीं है, हमारे यहाँ 1 साल से लेबर ये मेटेरियल का पेमेंट नहीं है, नेटों के पैसे नहीं है, तो लोग कैसे करेंगे? तो आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ध्यान दिलाने के लिए हम यहाँ आए। अभी आपने कहा कि कानून बनाया मगर कानून मानते नहीं है, कौन लोग नहीं मान रहे? सरकार ही कर रही है ना, सरकार कानून तो बना हुआ है, पार्लियामेंट ने बनाया, जिस संसद ने कानून बनाया वो संसद इसको मान नहीं रही, संसद ही नहीं मान रही, क्योंकि बड़ी मेजोरिटी तो उन्हीं की है ना। मोदी जी 2014 में आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि ये फेलियर है, किसका? जिस सरकार ने नरेगा चालू किया, कि ये फेलियर है और इसको मैं इसका स्मारक बनाऊंगा याद दिलाने के लिए। सो स्मार्ट सिटी बन गई है, वो स्मार्ट सिटी खाना तो नहीं देगी ना, जो मजदूर बैठा है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बन चुका है वो, हिंदू राष्ट्र रोटी दे देगा। अरे हिंदुओं के घर में ही खाना नहीं आएगा, आप क्या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? ये कोई बैठे हैं, नहीं कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम मोदी जी को सुना रहे हैं, यहाँ बैठे वो पाकिस्तान से नहीं आए, विकास कहाँ पे हो रहा है? सबका साथ सबका विकास नारा है, पूरा विकास हो रहा है, गरीबों का विकास तो नहीं हो पा रहा है ना, गरीब तो जहाँ के जहाँ दबे हुए हैं। ये अच्छा, आपको पपेट बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा है, दिखाइए जरा सामने हमारे, इसकी हालत देख रहे हैं खूबसूरती हुई है इसकी, बजट में घाटा है, सूख गया है बिल्कुल, घर में आटा नहीं है, बजट में घाटा है इसलिए घर में आटा नहीं है, घर में आटा आएगा बजट का घाटा बंद हो जाएगा, पूरा बजट नरेगा में देंगे तो हमारे पेट में भी आएगा। अभी तो बड़े बड़े अमीरों का तो सब कुछ कर रहे हैं, उनको छूट भी दे रहे हैं, हमको तो नहीं दे रहे, हमको तो हम काम करने की बात कर रहे हैं ना, हमें छूट नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं काम करके कमाएंगे, लेकिन काम करने के लिए पैसा तो दो, रोजगार तो दे रहे हैं मोदी जी, किसको रोजगार, ये रोजगार वाले ही बैठे हैं, वही बैठे हैं रोजगार दे रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते, कल देखिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है, अमृत महोत्सव बन रहा है,
वो तो मनाते रहेंगे ना, वो तो हमेशा कुछ करते रहेंगे, वो कहेंगे वो तो करेंगे। आपके गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, 1000 से ऊपर चढ़ गया, आपका पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, आप GST इतनी लगा दोगे, टैक्स बढ़ा दोगे, अमीरों को तो छूट दोगे और गरीबों को लूटोगे, तो नहीं चल सकता। हम अपनी आवाज़ तो उठाएंगे। छूट कहाँ मिली है? GST सबके लिए लागू हुआ है। आपने अमीरों की छूट देखा नहीं? उनको कितने करोड़ रुपए की छूट दे दी, अडानी अंबानी का कर्जा छूट में डाल दिया और आज वो कमा रहे हैं। 9 महीने में जब कोविड का समय चल रहा था तब 10 लोगों, इस देश के 10 अमीर लोगों के पास में 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का इजाफा हो गया। आज भी 1% लोगों के पास 72% दौलत चली गई, तो हम पूरा देश कैसे चलेगा? तो ये केवल हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलना, इस देश को काम चाहिए, लोगों को काम का पूरा धाम चाहिए। टाइट हो गया पाकिस्तान चाइना, टाइट तो कर दिया है। पाकिस्तान चाइना का खतरा दिखा के हमें डराओ मत, ना पाकिस्तान से हम घबरा रहे हैं ना चाइना से घबरा रहे, वो तो उनकी समस्या ही पूरी नहीं हो रही है, हम क्या कर देंगे? पाकिस्तान की क्या बात है, आज की बात है क्या? पाकिस्तान का डर तो बहुत साल से चल रहा है, 2014 से लगातार जो है, देखिए आप, पाकिस्तान चाइना टाइट हो रहा है, लगातार कॉरिडोर्स बन रहे हैं, है ना, राम मंदिर बन गया है, सबसे बड़ी बात है, तो राम जी को बिठा दिया है। इन सबसे पेट भरना नहीं है, राम जी का मंदिर बन, राम जी तो हर गाँव में है, हर घर में है, तो वहाँ बनाने के पैसा खत्म करके आप कहोगे कि राम जी का मंदिर बनेगा तभी पेट भरेगा, वो नहीं हो सकता। आप राम जी के लिए पूरा पैसा खर्च करके ये बात झुठला नहीं सकते। जो देश में समस्या है, एयरपोर्ट बन रहे हैं अब जगह जगह गांव के पास, एयरपोर्ट बच रहे, बिक भी रहे ना, आप बनाते जाओ बेचते जाओ, रेल बेच दो। कौन बेच रहा है? प्रधानमंत्री, वो अच्छी आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री। हाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ, आप कह दो, मेरा नाम बता देता हूँ, मैं कहाँ का रहने वाले वो बता देता हूँ। मोदी जी क्या करेंगे? मुझे कहेंगे देशद्रोही ऐसी बातें कर रहा है, मैं करूँगा ना, जो है हकीकत बता रहे हम। भावनाएं हाथ हो जाती हैं आज, भावनाएं हाथ हो जाती हैं लोगों की अब। हाँ हाँ, वो तो उनका काम है, वो करेंगे, डराएंगे, सब कुछ करेंगे। आपने इतना बोल दिया, आहत हो गई भावनाएं, तो भावनाएं तो उनके पास है क्या? भावना जो आहत हो रही है, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो आहत क्या करेंगे वो। अच्छा ये बताइए, मनरेगा के तहत जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो सरकार सत्ता में है लगातार बोलती है कि मजदूरों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मगर आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अगर कुछ करती तो हम यहाँ नहीं आते। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा इतने टाइम से हमारा पेमेंट नहीं हुआ, 6-6 महीने से हमने काम किया उसका पैसा नहीं मिला। कितने टाइम से नहीं मिला? 6 महीने से पहले से, 6 महीने से पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। घर कैसे चल रहा है? वो बंद करें, वही तो घर, क्या घर पे इनके भरोसे चलाते हैं क्या? वो आज सरकार से लड़ रहे हैं इसी बात के लिए कि आप जो आपने कहा वो करो ना, जो कानून में दिया ये गारंटी दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा एक रोजगार गारंटी कानून है, तो वो देना नहीं चाह रहे। जो मोदी जी आए थे 2014 में तभी उन्होंने कहा था ये फेलियर है, इसको हम फेल करेंगे, वो फेल कर रहे हैं ना। किसको फेल कर रहे हैं? नरेगा को। हाँ मनरेगा को, वो कह रहे कि ये उस सरकार की भूल है जिसने ये चालू किया, खड्डा खोदना सिखाया, तो मैं इसको एक स्मारक बनाऊंगा। उस समय हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आके बोले कि मजदूर विरोधी है क्या भाजपा सरकार? वो पता नहीं क्या विरोधी है, लेकिन वो मजदूरों के लिए सोचती थी, अमीरों की ज्यादा सोचती है, मजदूरों की सोचती नहीं, और वो उनको एक गुमराह करने का रास्ता पकड़ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना दो सब की तकलीफ खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े मंदिर बनाने से, अमृत महोत्सव भी, बड़े मंदिर बनाने से तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, लोगों की बेरोजगारी बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है और मैं राजस्थान से जयपुर जिले से हूँ, टोंक जिले से हूँ सॉरी। और भ्रष्टाचार तो हमने देखा है कि जिनके बड़े बड़े मकान है ना उनको पीएम आवास में मकान मिल रहे हैं, और जो गरीब आदमी है ना उनको कुछ भी नहीं है। पीएम आवास में मकान किनको मिल रहे हैं? जिनके पास मकान है ऑलरेडी पहले से, जिनको जरूरत ही नहीं है मकानों की, उनके पास तो पहले से है, तो जानकारी 60-80 मतलब बीच में एक ऐसी जानकारी दी गई थी कि पीएम आवास योजना है ध्वस्त पाई गई है। हाँ तो ध्वस्त हो ही ना, जिनके पास मकान है उनको अलॉट कराने, गरीब आदमी के पास तो मकान ही नहीं है। मैं नहीं कह रही, एक जानकारी के तहत ऐसा सामने आया मैडम, ये इसलिए तो अब रुके हुए हैं ना, पीएम आवास के भी अलॉट ही नहीं हो रहे मकान, लोगों को मिल ही नहीं रहे मकान। क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? क्या उम्र है आप? मेरी 28 साल उम्र है। कहीं नौकरी? यहाँ पे मजदूरों के लिए आए, उनके संघर्ष के लिए, नरेगा में जो उनको काम नहीं मिलता, पेमेंट मिलता, अगर काम मिल जाता तो उनको पैसा टाइम पे नहीं मिलता, और पैसा टाइम पे मिल
तो मिलता ही नहीं है घर, और जो मिलता है वो भी आधा कट कट के मिलता है। जैसे 220 रुपए मजदूरी है इस टाइम पे लोगों को मिलती है, वैसे 231 की है शायद, 10-15 रुपए बढ़ाए हैं सरकार ने पैसे, पर वो तो अभी तक लागू नहीं है। किसी के अकाउंट में कोई बोल नहीं सकता कि मेरे अकाउंट में 231 रुपए। इमारतें खड़ा करते हैं पूरी देश दुनिया को बारिश धूप से बचाने के लिए, घर मकान बनाते हैं और उनकी मजदूरी ये है। हाँ तो वही तो है ना, मजदूर की तो कोई सुनता ही नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जो पैसे वाले होते हैं ये अभी होते हैं ना, उनकी बातें करते हैं टीवी पे भी बैठ के, और मजदूर को तो कौन अभी अभी हम आए हैं हमारे यहाँ पे कौन आके सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। 3 दिन हो गए यहाँ पे आके, कोई यहाँ पर जो है मीडिया आई है, नेशनल मीडिया आई है, नेशनल नहीं आई है, जो इनके नाम पहली बार सुने हमने यहाँ के न्यूज चैनलों के, यहाँ न्यूज चैनलों के जो अभी हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं हमने देखा है, यहाँ पे इनके नाम ही पहली बार सुने हैं, जो आज तक है NDTV है, ये जो बड़े बड़े हैं ना इनके तो हमने यहाँ पे किसी को देखा ही नहीं, कोई इंटरव्यू कर रहा है या कोई आके इनको दिखा रहा है, क्योंकि ये सब जो बड़े मुद्दे होते हैं जो इनको तो मुद्दा ही नहीं समझ रही ना सरकार। मजदूरों के जो नरेगा का है इसको तो समझ नहीं, इसके बारे में तो सुनना ही नहीं चाह रही। अगर सुनना चाहती तो 3 दिन से यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हर राज्य से आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं बेचारे, बहुत परेशान, बच्चों को साथ में लेके कैसे भी आए हैं अपने, भाई थोड़ा सा कुछ मिले, सरकार कुछ कर रही है तो, पर उसके लिए भी यहाँ पे आए, उनका कोई सुना ही नहीं दे रहा, कोई बता ही नहीं रहा उनके बारे में। क्या क्या नाम है आपका? बबलू नागर, झालावाड़ जिले से। झालावाड़ से आए हैं आप, राजस्थान से आए, इतनी दूर से आए आप लोग, तो क्या कर रहे हैं? मजदूर हैं हम, बेरोजगार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ मैं। पढ़ाई करते हैं? क्या उम्र है? BCA कर रखा है मैंने, और फिर भी नरेगा मिली है? नहीं मिली है, वैकेंसी टाइम पे नहीं होती है, जो रोजगार दे रहे मोदी जी 2 करोड़ को। हम भी तो युवा ही हैं, हम कहाँ से बूढ़े हो गए, अभी ना बच्चे हैं, युवा ही हैं हम भी, फिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिला? एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, BCA कर रखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं, फिर भी रोजगार नहीं मिला हमें, तो कैसे मिलेगा फिर? कैसे आप चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाताराम है मैं। कहाँ से आए आप? राजस्थान के जयपुर जिले से हैं। जयपुर से आए आप भी, इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं? ये आने का बहुत बड़ा कारण है, आज जो देश में हालात ऐसे बने हुए हैं नरेगा मजदूरों की, नरेगा पर मजदूरी इतने कम रेट पर, मजदूरी कौन करेगा? वह व्यक्ति करेगा जिसको मतलब कहीं भी कोई आश्रय नहीं है, उसका कोई धनी डोर नहीं है, वह आदमी नरेगा पर जाकर अपने टाइम पास करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए वहां जाकर काम करता है। उस व्यक्ति की हालात आज बदतर होती जा रही है, 6-6 महीने से उसकी मजदूरी मिल नहीं रही है, वो तंवार नहीं मना पा रहा है, आज उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, उनकी मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। 3 दिन हो गए। आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी हूँ। मजदूर हैं आप जी? क्या काम करते हैं? मैं जो भी मजदूरी मिल जाती है नरेगा मस्ट्रोल पूरी भर लेता हूँ, उसके बाद में अन्य जगह पर भी चले जाता हूँ। जैसे भी कोई और भी प्राइवेट सेक्टर में कोई काम मिल जाता है, इंटरव्यू दे आते हैं कंपनी में, मिल जाता है। जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, वो बात सही है, चलो इन्होंने देश के लिए इतने कुछ किया, पर मैं बोलना चाहता हूँ उनको कि थोड़ा इन गरीबों की तरफ भी देख लीजिए, और नरेगा इससे क्या, बिल्कुल जो गरीब लोग होते हैं ना, बिल्कुल वो काम करते हैं इसके अंदर, क्योंकि पैसे वाले तो करते नहीं है इनमें काम, क्योंकि पैसे वालों को तो ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है ऐसी मजदूरी करने की, तो इनके बारे में सुने, क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ा फैसला होगा आपका है कि इनका पैसे बढ़ाएंगे, मजदूरों के पैसे बढ़ाएंगे, हमारे पैसे बढ़ाएंगे, इसके 100 दिन की को बढ़ा के थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, 200 दिन करेंगे, तो मतलब इससे जो अभी कोरोना में क्या स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति थी, तो उस ऐसे मान लो कभी जरूरत भी पड़ जाए आदमी को, क्योंकि देखो 220 रुपये मिलते हैं, वो भी पूरा नहीं मिलता, वो भी कट पीट गया था, तो उसे आपको भी पता आज के टाइम पे कुछ नहीं होता, 220 रुपये से क्या होता, कुछ भी नहीं होता, 220 रुपये से सिलेंडर भी नहीं भरा सकता महीने का, अगर आदमी चाहे तो उतने पैसे आते हैं। सिलेंडर से तो अब जो महिलाएं हैं अब चूल्हे पे आ गई हैं। हाँ तो आना पड़ रहा है ना, जो वापस पहले की तरह वही करना पड़ेगा, चूल्हा ही जलाना पड़ेगा, सिलेंडर का लाल दे दिया पहले, उस टाइम सस्ता हो गया था तो अब वापस महंगा हो गया, अब तो खरीदने की औकात ही नहीं है मजदूरों के, गरीबों की हालत खराब है, मजदूरी। तो ये जो भाजपा सरकार है क्या गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है? देखो हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सी सरकार किसके विरोधी है, आप आज की पोजीशन देखे आज आपको पता चल जाएगा कि आज क्या हो रहा है, आज 6-6 महीने से मजदूरों का पैसा नहीं आ रहा है, मजदूरी भी बहुत कम है, जबकि हम कहीं भी गांव में कहीं भी आप बेलदार लेके आओगे, थोड़ी देर के लिए कुछ लेके आओगे तो 400-500 रुपया नॉर्मल ले लेता है, जबकि नरेगा का मजदूर दिन भर मिट्टी ढोता है, फावड़े खोदता है, गैती चलाता है, फिर भी उसको 221 रुपए क्यों? हम ये नहीं कहना चाहते कि एक कौन सी सरकार खराब है, सरकार तो अच्छी भी है और बुरी भी है, सारी सरकारें होती है, कुछ अच्छे काम कर देती है तो कुछ ऐसे काम करती है जो उनको उनका करने का मन ही नहीं करता, तो लोगों को लड़ना पड़ता है तब जाके कोई सुनता है, उनको समझ में आता है, बाकी ऐसा है कि जो लोगों को जरूरत तो है ना, देखो मजदूरी की है, जो उसको काम मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा तो खाना पानी मिलेगा,
तो काम मिलेगा ना, तो सब खुश हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा मजदूरों के बारे में सोचें, इनको इनको ज़्यादा कुछ तो मांग ही नहीं रहे ना, इनसे कुछ भाई बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं हम। सिर्फ ये कि 100 की जगह 200 दिन का मजदूर काम मिल जाए, और अभी 200 कुछ मिल रहे हैं तो 800 रुपये मजदूरी मिल जाए, इससे आराम से 800 रुपये मिल जाए जीवन यापन। हमें कौन सी छुट्टी मिलती है? मनरेगा के अंदर कोई छुट्टी नहीं होती। अभी आप कोई से भी ऑफिस में चले जाओ, कितनी सारी छुट्टियां होती है पता है आपको? 360 जो भी दिन होते हैं उनमें से कितने दिन काम करता है वो? 50% काम करता है, 50% तो छुट्टियां ही रहती है। नरेगा में 15 का एक पखवाड़ा होता है, उसके अंदर दो संडे आते हैं, यस गुरुवार आते हैं, उन गुरुवार की तो छुट्टी होती है उसमें, पर उनके भी पैसे कटते हैं। छुट्टी होती है उनके भी पैसे कटते हैं, छुट्टी के पैसे मिलते हैं नहीं मिलते उनके भी पैसे मिलते, जितने दिन काम करने जाते हैं उसी दिन के पैसे मिलते, वो भी पूरे नहीं मिलते आज तक। मैंने मेरे गांव की स्थिति के बारे में बताऊं, किसी के भी है ना 220 रुपये नहीं आए, किसी के भी नहीं आए, इतने सारे लोग काम करते हैं। और कितने हैं वहां पर? कम से कम 1500-2000 लोग हैं मेरे गांव ग्राम पंचायत में, और भी ज़्यादा ही होंगे। तो उनमें से जो भी मजदूर काम करते हैं उनके कभी भी पूरा पैसा नहीं आता, उनका पैसा कट पीट के आता। 220 में से भी आधा पैसा आता मैडम, 220 में से भी कट पीट के आता। तो क्या करेगा अभी फिलहाल? पिछले दो हमने 15-20 गाँव का अभी विजिट किया था, और जो इस अभियान के साथ में एनजीओ के साथ में हमने सामाजिक अंकेशन का काम भी किया है, तो गांव में जाने का मौका मिला, नरेगा मजदूरों से मिलने का मौका मिला, तो वहां हमने देखा है कि 11 दिन काम करने वाले मजदूरों को 150 रुपया मात्र मिला है, 11 दिन काम करने वाले लोगों को। अभी मेरे गांव की स्थिति बताऊं, मेरे गांव के अंदर अभी जो 2 महीने पहले एक मिस्टोल जारी हुई थी, उसके अंदर 8 दिन काम करने गए थे मजदूर, उनका 8 दिन का पेमेंट था 104 रुपये, 8 दिन का पेमेंट था 104 रुपए। अब सोच लो, 104 रुपए, अब 8 दिन वो कम से 104 रुपए में क्या होता है? 100 रुपए तो इंसान यूं ही खर्च कर देता है। 8 दिन का पेमेंट है 104 रुपए, 8 दिन का, 8 दिन काम करने गए हैं कम से कम 3 किलोमीटर दूर, 8 दिन का बता रहे हैं, 8 दिन काम करने गए 3 किलोमीटर दूर, उसका पेमेंट आया है 104 रुपया, मेरे खुद के घर में 104 रुपए आया है। पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, इसमें हम बोलेंगे सरकार, अभी हम यहाँ पे आए इतनी दूर, तो हमें ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि पैसा इन्होंने पैसा डाला भी होगा, तो वहाँ पे पंचायत से मतलब भ्रष्ट तो पंचायत अधिकार के लिए बोलेंगे नहीं, आप रोडों पे आ गए इतनी दूर से आ गए, हक अधिकार के लिए बोलेंगे, अधिकार के लिए बोल रहे हैं मैडम, पर ये इनका ये भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इसको खत्म करना जरूरी है। हमारा काम मिले हमें बढ़ाए, हमारे पूरे पैसे मिले हमें, हम तो यही चाहते हैं ना। भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया है मोदी जी, कहते हैं खत्म हो गया भ्रष्टाचार, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पंचायतों में, पंचायतों में वही लोग आते हैं जो गांव के होते हैं, मतलब गांव का आदमी हमेशा दुखी रहेगा, कभी उसको कभी सुखी मिल नहीं पाएगा। हम देखते हैं इतनी सारी योजनाएं बनाते हैं पर कोई मतलब नहीं है। जो पीएम किसान के भी पैसे होते हैं उनकी बात करें तो 2 महीने आएंगे और 2 महीने रुक जाएंगे, हमेशा पैसे नहीं आते, फिर कहते हैं सत्यापन कराओ, साल में 2-3 बार तो सत्यापन हो जाता फिर भी पेमेंट नहीं आता। मेरा 2 महीने अभी पिछली जो किस्त आई वो भी नहीं आई हमारे पीएम किसान की योजना की, 2000 रुपये की किस्त आई। अब बोलते हैं ई मित्र पे जाते हैं तो बोलते हैं आप जाके तहसील में मिलो उनसे, तहसीलदार साहब से मिलो, वहाँ जाते हैं तो वो मिलते नहीं है। वहाँ पे 4 बार जाके आया हूँ मैं तहसील के अंदर, मेरे को 4 बार ऐसे बोले हैं कि आज छुट्टी पे, आज छुट्टी पे। अरे भाई रोज ही छुट्टी पे रहे तो फिर हमारा कौन सुनेगा? आपने कहा है कि मोदी जी क्या कर सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, हम एक मांग कर रहे हैं इसी धरने प्रदर्शन में, वो भी मुद्दा चल रहा है कि जवाबदेही कानून पास हो, उसे हर जो कर्मचारी होगा उसको जवाब देने के लिए बाध्य होगा, वो देना ही पड़ेगा उसको जवाब, अगर वो जवाब नहीं देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम हिसाब मांग सकते हैं, आम आदमी हिसाब मांग सकता है कि कहाँ कितना काम हुआ, कितने रुपए मिले, किसको मिले इसका। इसमें जैसे RTI जो कानून है उसी तरह एक जवाबदेही कानून की मांग करे, जिसमें अगर हम जवाबदेही मांगेंगे तो उसको 15 दिन में देनी पड़ेगी, नहीं देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई, पूरा एक पैनल बनेगा अलग से, एक उसका एक विभाग बैठेगा, अधिकारी बैठेगा, वो उसकी पूरी मतलब उसकी देखभाल करेगा। भैया राजस्थान से हूँ मैं जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम महेंद्र है और मैं MKSS के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अभी मैं एक BRP की ट्रेनिंग दी है तो उसमें सोशल ऑडिट भी किया था हमने। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना? हाँ, तो कांग्रेस करवा रही है ना अभी, जैसे BRP अलग से एक ढांचा बना रही है वो सोशल ऑडिट के लिए, इसमें सोशल ऑडिट भी होगी और मेट्रो। मांग किससे आपकी, कांग्रेस सरकार से, BJP सरकार से? हमारी सबसे है, सरकार कोई भी हो हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए, सरकार से हमें कोई लेने देना नहीं है। चलिए चलिए, अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इतने मनरेगा कानून के तहत जितने भी मजदूर भाई लोग हैं वो यहाँ पर कितनी तादाद में जुड़े हैं, राजस्थान जयपुर झलवाड़ा जैसे राज्यों से ये लोग आए हैं, इतनी दूर से यहाँ दिल्ली में आए हैं
और लगातार अपने हक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लगातार इनकी मांग यही है जो इनको रोज के 200 रुपए से भी कम मिलता है, 104 रुपए। सोचिए 104 रुपए मायना क्या ही रखते हैं। 100 रुपए रोजाना आज दिल्ली जैसे शहर में लोग रोजाना 100 रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं, तो सोचिए मजदूर की मजदूरी 104 रुपए मिलती है। तो इनकी मांगे यही है कि पर डे 800 रुपए बढ़ा दिए जाए। और सोचिए मजदूरों की कितनी ज्यादा दुविधा है कि जिनको घर मकानों में बिठाते हैं, जिनके लिए ये आलीशान मकान बंगले बनाते हैं, वही आज जो है रोडों और सड़कों पर आए हैं, उतर आए हैं और अपनी हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बुरी स्थिति है मजदूरों की और इन भाइयों की जो लगातार अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं, कभी सरकार से, कभी कांग्रेस सरकार से, तो कभी बीजेपी सरकार से। लेकिन सोचिए सत्ता में बैठी सरकार किस तरीके से सोई हुई है और लगातार दावे और वादे करती है कि सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ और सबका विकास ही है तो ये लोग कौन है जो आज यहाँ रोडों पे उतरे हुए हैं और इतनी इतनी दूर राज्यों से आए हुए हैं, जो आज दिल्ली जैसे शहर में यहाँ जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 3 दिन से, जहाँ बारिश का लगातार बारिश हो रही है, लगातार धूप का टेम्परेचर 47 चला जाता है। तो सोचिए ये लोग कौन है जो रोडों पर आकर अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।